Hey guys, it's me Khursheed. काफी लोगों ने मुझे Instagram पे ये क्वेश्चन पूछा है कि रोडीज का ऑडिशन देने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या वहाँ पर पासपोर्ट या फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जाता है, कुछ पैसे या फीस की जरूरत होती है, क्या वहाँ पर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डिग्री पूछी जाती है, या वहाँ पर सेलेक्ट होने के लिए बॉडी बिल्डर या कोई फिटनेस मॉडल होना जरूरी होता है, एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इन क्वेश्चंस को सरल और क्लियर वे में आंसर कर सकूं। रोडीज का ऑडिशन देने के लिए आपको मिनिमम 18 साल का होना जरूरी होता है। आप एक बार 18 साल के हो जाने के बाद चाहे उम्र कितनी भी बढ़ जाए आप रोडीज का ऑडिशन दे सकते हो। 17 साल की उम्र में अगर आप ऑडिशन देने चले गए, अगर ग्रुप डिस्कशन में मालूम हो गया कि आप 17 साल के हो, तो आपको बेइज्जत और जलील करके बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑडिशन के लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या सर्टिफिकेट डिग्री दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर रही बात पासपोर्ट की, तो ये डिपेंड करता है कि जर्नी इस साल कहाँ पे होंगी, क्योंकि इन्होंने जर्नी का जो थीम था काफ़ी बार इंटरनेशनल होके शूट किया था, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में भी शूट किया था। तो अगर इस साल का थीम भी कोई इंटरनेशनल बेस्ड है तो आपको पासपोर्ट ज़रूरी होगा। लेकिन क्योंकि मैं रोडीज एक्सट्रीम का कंटेस्टेंट हूँ और हमारी जो जर्नी थी वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शूट हुई थी, तो हमें कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और अगर हम पैसे या फीस की बात करें तो दोस्तों पूरा शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ऑडिशन फ्री रहता है। हाँ, हम काफ़ी रूमर सुनते हैं कि 5 से 10 लाख रुपए पैसे खिलाने पड़ते हैं रोडीज़ के ऑडिशन सिलेक्शन के लिए, पर दोस्तों मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ कि कोई पैसे नहीं लगते। इनफैक्ट मैंने जितने भी अदर रोडीज़ से बात की है उनसे बात करने के बाद भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया है कि कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। इनफैक्ट शुरुआत से लेकर एंडिंग तक जो जर्नी होती है, पैसा, खाना, रहना, हर चीज़ रोडीज़ के क्रू मेंबर्स ही पे करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये जो रूमर्स है वो सही है। सेलेक्ट होने के लिए क्या बॉडी बिल्डर या फिटनेस मॉडल होना ज़रूरी होता है? दोस्तों अगर ये बात सच होती तो मेरा पवनीत का या सैंडी का कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। इनफैक्ट आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 30,000 लोगों में से 15,000 लोग जो होते हैं बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस मॉडल ऑडिशन करते हैं, ये फिजिकल टास्क एक्सरसाइजेस करके बताते हैं, पर इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि सेलेक्ट होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो एक इंसान की इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, ना कि उसकी बॉडी। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक एडवेंचर टास्क बेस्ड रियलिटी शो है, आपको फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, पर अगर आपकी पर्सनालिटी सैंडी जैसी इंटरेस्टिंग हो तो आपका ये भी एक फैक्टर जजेस नेग्लेक्ट कर देते हैं। रही बात फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस की, दोस्तों रोडीज एक एडवेंचर बेस्ड रियलिटी शो है जिसका मेन स्पॉन्सर एक कार है। हाँ, इसी वजह से आपको काफ़ी टास्क में कार चलानी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपको कार चलाने देंगे नहीं और आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से हो नहीं सकता। ये चीज़ मैंडेटरी सिर्फ लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना ऑप्शनल होता है। तो आप जैसा ऑडिशन मेनू पर पहुँचोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा और फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ एक पेन की ज़रूरत होती है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछा जाता। जैसा आप फॉर्म भर दोगे आपको ग्रुप डिस्कशन में ले जाया जाएगा और ग्रुप डिस्कशन ख़त्म होने के बाद भी आपको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछी जाती है। हाँ, अगर आप ग्रुप डिस्कशन 1 क्लियर करके नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो तब आपको दूसरे दिन एक आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आईडी कार्ड पूछा जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाने के बाद भी आपको कोई आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाता। इसका मतलब दोस्तों सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपको एक पेन की ज़रूरत होती है, वो भी फॉर्म भरने की। जैसा आप फॉर्म भरते हो, ग्रुप डिस्कशन में जाते हो, ग्रुप डिस्कशन क्लियर करते हो, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन 2 में जाते हो, ग्रुप डिस्कशन 2 में आपको एक आधार कार्ड या कोई पैन कार्ड पूछा जाएगा आपका नाम क्लैरिफाई करने के लिए, और जब वो आप कर देते हो तो आप उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई अदर आईडी कार्ड नहीं पूछा जाता। तो ऑल इन ऑल दोस्तों आपको ये पता चल गया है कि रोडीज़ के ऑडिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। टू समराइज इट, आपको एक फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है, लड़कियों के लिए ऑप्शनल है और लड़कों के लिए मैंडेटरी है। रही बात पासपोर्ट की, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि रोडीज़ की जर्नी इस साल कहाँ पे होंगी। अगर इंटरनेशनल बेस्ड रहेंगी तो आपको ऑब्वियसली पासपोर्ट लगेगा, और अगर नहीं रहेंगी, सिर्फ इंडिया में रहेंगी, तो आपको पासपोर्ट पर्सनल इंटरव्यू के बाद भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, फिर भी आप ऑडिशन जाके दे सकते हो, क्योंकि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो पर्सनल इंटरव्यू में, आपके पास उसके बाद 2 महीने रहते हैं कलिंग के लिए। इस 2 महीने के स्पैन में आप तत्काल में पासपोर्ट 15 दिन में भी निकाल ले सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत ही जल्द निकल जाता है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आप सिर्फ चड्डी बनियान में सिर्फ एक पेन लेके जाके ऑडिशन दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ है कि आपका जब सिलेक्शन हो जाता है पर्सनल इंटरव्यू में, रोडीज़ के क्रू मेंबर्स कलिंग से पहले आपको कुछ टेस्ट करवाने को बोलते हैं। ये कुछ ब्लड टेस्ट या फिटनेस टाइप टेस्ट होते हैं। हाँ, ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि एक कंटेस्टेंट फिट है जर्नी पे जाने के लिए या नहीं, मालूम करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, तो आपको पता चल गया है कि रोडीज़ का ऑडिशन देने के लिए आपको सिर्फ एक पेन की ज़रूरत होती है और कोई डॉक्यूमेंट्स की नहीं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कैसा भी लाइक करिए. लेट्स एम फॉर 10,000 लाइक्स. अगर हम 10,000 लाइक्स का मार्क रीच करते हैं तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग जीडी रूम में ग्रुप डिस्कशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको रोडीज ऑडिशन के टिप्स देने के लिए. अगर आपको और भी पर्सनल टिप्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक आईडी है उसे ऐड करिए. वो मेरा एक मैनेजर का आईडी है. मैं आपको उसके जरिए इनडायरेक्टली पर्सनल टिप्स दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो बी ऑसम एंड स्टे ऑसम.